सो हाँ जी, म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई जैसा कि तुम्हें पता है कि आईफा 2024 अवार्ड्स हुए थे, वहाँ पे करण भाई को भी इनवाइट किया गया था। सो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि वाट एवर करण औजला डिड इन आईफा 2024, उन्होंने क्या क्या किया, सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले तो उनकी एंट्री होती है, और भाई करण भाई क्या प्यारे लग रहे थे यार, है ना। तुम चेक कर सकते हो, आगे मैंने वीडियो भी ऐड कर दिया। तो भाई अब आगे बात करता है कि काइंड ऑफ इंटरव्यू भी हुआ था करण भाई के एंट्री के बाद में, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ। तो वैसे तो शोर बहुत ज्यादा था क्लिप में, तो उतना सुनाई नहीं दिया, बट मैंने किसी तरीके से भाई समझ लिया, तो मैं बताता हूँ आगे। बट आईफा का अगर फुल शो आ जाता है तो मेरी कुछ गलती होंगी, तो वहां पे तुम जाके चेक कर सकते हो जब आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा। तो भाई ये जो करण भाई के साथ में होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि आप स्ट्रेट है ना, विलेज से आते हो, आपकी जो भी जर्नी रही है, तो उसके आप कैसे देखते हो कि आज आप यहाँ पे आ गए। तो करण भाई ने बोला कि आई एम फीलिंग गुड, लाइक ऐसी इंग्लिश में जो भी सारी चीज़ें, बाकी चिंता मत करो, मैंने क्लिप आगे ऐड कर दिया, तुम समझ पाओ तो सुन लेना, मैंने आगे ऐड कर दिया। तो भाई ये एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपका मतलब मेन पर्पस क्या है आने के लिए, आपको किस लिए इन्विटेशन मिला, ये सारी चीज़, आप परफॉर्मेंस देने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, यही सारी चीज़। तो करण भाई ने बोला था कि इस बार परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से बुलाया गया है। अब वो एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं बताई उन्होंने, लेकिन बोली है ये चीज़ें। और वैसे भी तुमने देखा होगा कि इस बार परफॉर्मेंस नाचने गाने का काम हनी सिंह और बादशाह को दे रखा था। अब मेन रीज़न मुझे ये भी लगता है क्योंकि अभी एक ही गाना आया ना बॉलीवुड में, तो मे भी इस बार आईफा वालों ने और करण भाई ने जानबूझ के फुल परफॉर्मेंस नहीं रखी होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तक दो तीन गाने और आ चुके होंगे, तो भाई उस वक्त एक फुल परफॉर्मेंस होगी। बट इस बार भी भाई उन्होंने गाने गाए, स्टेज पर सारी चीज़ हुई है। तो मैंने इस काइंड ऑफ इंटरव्यू की आगे क्लिप्स ऐड कर दिए, तुम देख सकते हो, फिर आगे बात करते हैं। Really good, man. I'm just happy to be here and meet you, actually. Yo, man. It's good to be here, man. I'm excited to be inside. I'm just thankful to the team I've been doing this. Tomorrow performance? Not really performing, but I'm here for this. Just have fun. But we'll do something. You're going to do something, but we can't say exactly what it is. We'll do something, yeah. And apart from that, anything. तो भी चलो अब आगे बात करते हैं। तो है ना, संदीप रेड्डी वांगा एनिमल मूवी के डायरेक्टर जो हैं, और वो करण भाई के साथ में बैठे थे, दोनों की अरेंजमेंट साथ में थी। तो एक थोड़ा सा वाइल्ड थॉट आया मेरे मन में, जैसे कि अभी जो इंटरव्यू टाइप था उसमें भी उन्होंने, करण भाई ने बोला था कि कुछ चीज़ों की वजह से आया वो। और संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज़ तुमने देखी होगी, कबीर सिंह, एनिमल, तो कबीर सिंह में भी पंजाबी फैमिली से होता है कैरेक्टर, और एनिमल तो तुम्हें पता ही है भाई, गाना तक पंजाबी में था, अर्जन वैली, वरना कोई एक साउथ की तेलुगु इंडस्ट्री से आके और इतना ठेठ वाला गाना चुन के अपनी मूवी में डालता है, भाई से ये तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि संदीप रेड्डी वांगा पंजाबी कल्चर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो जो मूवीज़ आने वाली जैसे कि स्पिरिट या फिर एनिमल पार्क रणवीर कपूर के साथ में एनिमल का सेकंड पार्ट, तो उसमें करण भाई का कोई हार्डकोर गाना सुनने को मिल जाए तो भाई हैरान मत होना, हो भी सकता है, जस्ट मेरे मन में थॉट आया था तो मैं बता रहा हूँ। सो भी चलो अब आगे बात करते हैं। तो वैसे तो करण भाई की परफॉर्मेंस की प्लानिंग्स नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने स्टेज पे गाना गा ही दिया। तो एक तो सॉफ्टली उन्होंने गाया था, मैंने क्लिप्स आगे ऐड कर दिया, और एक उन्होंने तौबा तौबा जो इतना हिट गाना है वो गाया, और करण जौहर वगैरह सारे साथ में थे, और विक्की कौशल तो तुम्हें पता ही है भाई, वो तो वाइब करते ही रहते हैं तौबा तौबा पे। तो ये चीज़ें मैंने क्लिप्स आगे ऐड कर दिया, देख लेना। और एक और चीज़ पहले ही बोल देता हूँ, फिर क्लिप्स ही देखना भाई जी भर के। तो क्या है ना, शाहरुख खान ने भी इस गाने पे खूब डांस किया है भाई, तो ये चीज़ देख के बड़ी अच्छी लगी कि भाई करण भाई के गाने पे, विक्की कौशल के गाने पे वो इतनी वाइब कर रहा है, तो अच्छी बात है। बाकी तुम देख सकते हो आगे, सारी क्लिप्स मैंने आगे ऐड कर दिया। सो सही है यार, बहुत खुशी है भाई के लिए, दिल से, इतनी पहले से सुन रहे हैं हम 2018-19 से, और अब आईफा में आ चुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तुम देख लो, तुम्हारे विचार तुम कॉमेंट कर सकते हो, जो भी सारा कुछ है दिमाग में कर देना। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। थैंक यू सो मच। हाँ, मिलना दस दे कोई थां दस दे, मेरी जान दस दे, हुसन तेरा लव रे अभी।
हुसन तेरा तौबा 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 हुसन तेरा तौबा 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 वामुस हुसन तेरा तौबा 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 Thank you, Karan. Give it up. Thank you, Bosco. For really the true hero, Bosco in the house.